नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। देश में आज आम बजट पेश किया जा रहा है। लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमन ने 2022-23 का आम बजट पेश करते हुए कहा, रेलवे छोटे किसानों MSME के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। सीतारमन ने बजट पेश करते हुए उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि केंद्र एवं राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्योग अवसरों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा और सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में PM गति शक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू किए जाने का प्रस्ताव किया और कहा कि अगले वित्त वर्ष में 4 बहु मॉडल पार्क के लिए अनुबंध दिए जाएंगे। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा। 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्ष में 100 PM गति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे।